हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 6 में चैप्टर 1 दैट इज नोइंग आवर नंबर में एक्सरसाइज 1.2 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं एक वीडियो में। ये पेज नंबर 16 से स्टार्ट है और 17 पे खत्म हुआ, मतलब पीस 16-17 को हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। एक स्कूल में 4 दिन के लिए बुक एग्जीबिशन रखा गया है। ओके, द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल डे। अब उसको बुक एग्जीबिशन को देखने के लिए वहां पे टिकट्स जो है काउंटर पे अवेलेबल है, टिकट सेल की जा रही है। तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 and 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। तो फर्स्ट डे कितनी टिकट सोल्ड हुई है? फर्स्ट डे 1812 टिकट सोल्ड हुई है काउंटर पे। सेकेंड डे 2050 टिकट सोल्ड हुई है। फर्स्ट डे 1094 टिकट सोल्ड हुई है। सेकेंड डे 1812 टिकट सोल्ड हुई है। थर्ड डे 2050 टिकट सोल्ड हुई है। एंड फाइनल डे में 2751 टिकट सोल्ड हुई है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। तो इन 4 दिनों में कितनी टिकट सोल्ड हुई है, चारों दिनों को मिलाकर कितनी टिकट सोल्ड हुई है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो मुझे वर्ड्स में ही इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। लिखते हैं नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। कितनी टिकट काउंटर पे सोल्ड हुई है फर्स्ट डे? 1094। फिर नंबर ऑफ टिकट्स, अब यही सेम चीज मुझे लिखना है तो मैं ऐसे कर दूंगी, इसका सिंबल है सेम चीज लिखने का। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे इज इक्वल्स टू कितने टिकट सोल्ड हुई है? 1812। देन नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे इज इक्वल्स टू 2050 एंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे इज इक्वल्स टू कितनी टिकट सोल्ड हुई है फाइनल डे पे? 2751। आपको निकालना है कि इन 4 दिनों में कितनी टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई है। तो क्या करेंगे? कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज इज इक्वल्स टू, इन सबको प्लस कर दीजिए, सबको ऐड करना है ना। फर्स्ट डे इतनी टिकट सोल्ड हुई, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी एंड फाइनल डे इतनी टिकट सोल्ड हुई है। अब पूछ रहा है कि चारों दिनों में कितने टिकट सोल्ड हुई है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं 4 2 6 8 7 9 1 10 10 10 20 20 का 0 कैरी आया 2 8 2 10 10 7 17 कैरी आया 1 तो 1 1 2 एंड 3 5 7 ये हो जाएगा 7707 टिकट्स। यही आपका आंसर है।
टोटल इतनी टिकट सोल्ड हुई है इन 4 दिनों में। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है, वो क्रिकेट खेलता है, वो बहुत फेमस है। ही हैज सो फॉर स्कोर्ड 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसने अब तक 6,980 रन स्कोर किए हैं टेस्ट मैचेस में। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। वो चाहता है कि वो 10,000 रन कंप्लीट करे। उसने अब तक 6,980 रन बनाए हैं और वो चाहता है कि वो 10,000 रन बना ले। तो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, उसको कितने रन की जरूरत है 10,000 रन होने में। उसने अब तक 6,980 रन बनाए हैं, तो उसको अभी कितने और रन बनाने होंगे कि वो 10,000 रन स्कोर कर ले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो शेखर हैज स्कोर्ड रन्स, कितना रन शेखर ने स्कोर किया है अब तक, 6,980। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। ही विशेस टू कंप्लीट रन्स इज इक्वल्स टू 10,000। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, अब उसको कितने रन की जरूरत है। अभी तक उसने 6,980 रन बनाए हैं, अब वो कितना और रन बनाए कि वो 10,000 रन कंप्लीट कर ले। तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज मेरे पास 5 चॉकलेट है और मैं चाहती हूँ मेरे पास 7 चॉकलेट हो जाए, तो कितने और चॉकलेट की मुझे जरूरत है आप बताइए। अगर मेरे पास 5 चॉकलेट है, मैं चाहती हूँ मेरे पास 7 चॉकलेट हो जाए, तो मेरे पास कितनी और चॉकलेट की जरूरत है, 2 चॉकलेट की जरूरत है। कैसे निकाला आप लोगों ने, आप लोगों ने इसमें से इसको माइनस कर दिया, 7 - 5 दैट इज 2। इसका मतलब यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा। इस 10,000 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शेखर को और कितने रन की जरूरत है ना। तो शेखर नीड्स रन, शेखर नीड्स रन इज इक्वल्स टू, उसको और कितने रन की जरूरत है, क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहां लिखेंगे 10,000 माइनस 6,980, इसको माइनस करिए, 0 में से 0 गया 0, कैरी आया बना 10, 10 में से 8 गया 2, यहां बना 9, 9 में से 9 गया 0 एंड 9 में से 6 गया 3। 3,020 रन की उसको जरूरत है। अगर शेखर 3,020 रन और बना ले तो वो 10,000 रन कंप्लीट कर लेगा। ओके अब अगर इसको मुझे चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही आया है, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करिए और देखिए क्या 10,000 के बराबर आ रहा है। चलिए चेक करते हैं इन दोनों वैल्यूज को। ये हो गया 3,020 प्लस 6,980, 0 ऐड करिए, 8 - 2 = 10, कैरी है 1 - 10 और ये 6 - 3 - 9 = 10 आ गया ना 10,000। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर सही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट्स। एक इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हर जगह होता है, अपने क्लासरूम में भी इलेक्शन होता है, हेड बॉयज एंड हेड गर्ल्स मॉनिटर बनने के लिए इलेक्शन होता है ना, गांव में होता है प्रधान बनने के लिए है ना, तो इलेक्शंस पीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, सब इलेक्शंस ही होते हैं। तो इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कह, और इलेक्शन में क्या होता है, कोई जीतता है कोई हारता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट। सक्सेसफुल कैंडिडेट का मतलब है कि जो कैंडिडेट जीता है उसको कितने वोट्स मिले हैं, 577,500 वोट्स। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, और जो उसका नियरेस्ट राइवल था, राइवल का मतलब जो उसका अपोनेंट था, अपोजिट पार्टी से था है ना, उसने कितने रन सिक्योर किए हैं, उसने किए हैं
348,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? आपको बताना है कि कितने रन से जो जीता है कैंडिडेट वो कितने रन से जीता है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखे यहां पे वोट्स रजिस्टर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट इज इक्वल्स टू 5,77,500। His nearest rival registered votes, उसका nearest rival कितना votes register किया है? उसने 348,700 vote register किया है। अब बताइए कि वो कितने रन से जीता है? इतना ये इतने वोट्स जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट ने पाए हैं और ये वोट्स जो है राइवल ने पाए हैं, तो बताइए कितने वोट से ये जीता है। सपोज आपके क्लास में मैं इलेक्शन करा रही हूं बॉयज एंड गर्ल्स में, बॉयज को मिले हैं 7 और गर्ल्स को मिले हैं 5, तो बताइए बॉयज कितने वोट से जीते हैं। तो आपने क्या किया, 2 वोट से जीते हैं ना बॉयज, तो आपने क्या किया, 7 में से 5 को माइनस कर दिया तो 2 आया। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट का मार्जिन कितना था। तो लिखिए मार्जिन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करिए 5,77,500 में से माइनस करेंगे 348,700। आपको ये तो पता ही होगा कि वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस लिखते हैं, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस एंड सो ऑन, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, लाख प्लेस के नीचे लाख प्लेस, तभी हम माइनस कर पाते हैं और एडिशन भी। तो चलिए कर लेते हैं, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और यहाँ पे 5 में से 7 नहीं जा पाएगा तो एक कैरी लाएंगे, 15 में से 7 गया कितना आएगा 8, यहां कितना बचा, यहां बचा 6 क्योंकि यहां पे एक कैरी गया था, तो 16 में से 8 गया 8 और यहां कितना बचा 6, 6 में से 4 गया 2 और यहां बचा 5, 5 में से 3 गया 2, तो आंसर क्या आएगा 2,28,800 वोट से ये कैंडिडेट जीता है। इतना वोट, इतने वोट से ये कैंडिडेट जीता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कीर्ति बुक स्टोर, एक बुक स्टोर है कीर्ति नाम से, कीर्ति बुक स्टोर नाम से एक बुक स्टोर है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति बुक स्टोर पे जो है जून के फर्स्ट वीक में इतने रुपीस की बुक सेल हुई है, एंड बुक्स वर्थ रुपीस, वर्थ का मतलब होता है प्राइस, मतलब इतने प्राइस की बुक सेल हुई है, तो एंड बुक्स वर्थ रुपीस 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ मंथ। और जून के सेकेंड वीक में कितने वर्थ की बुक सेल हुई है, तो 4,768 वर्थ की बुक सेल हुई है। अब पूछ रहा है हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, इन दोनों वीक्स को मिलाकर कितने वर्थ की बुक सेल हुई है, आपको ये बताना है दोनों वीक्स को मिलाकर इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, ये भी बताना है कि कौन से वीक में सेल ज्यादा हुई थी एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज्यादा हुई थी ये बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक
ऑफ जून, जून के फर्स्ट वीक में कितने वर्थ की बुक सेल हुई है, तो रुपीज 2,85,891. नाउ बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ जून, जून के सेकेंड वीक में कितनी बुक सेल हुई है, तो रुपीज कितना 4,00,768. अब टुगेदर पूछ रहा है तो टुगेदर का मतलब दोनों को ऐड कर रहा है, तो लिखिए बुक्स सेल इन टू वीक्स टुगेदर, टू वीक्स टुगेदर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 2,85,891 प्लस 4,768, तो कितना आएगा आंसर, ऐड करिए 8,1,9,9,6,15, कैरी आया 1, यहाँ बना 9,9,7,16, कैरी आया 1, यहाँ बना 6, यहाँ हो गया 8 और 4 to 6, इतने रुपीस, इतने वर्थ की बुक सेल हुई है दोनों वीक को मिलाकर, तो हमारा एक आंसर आ गया। अब पूछ रहा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई थी, आप बताइए यहाँ से, इस वाले वीक में या इस वाले वीक में, यहाँ 2,00,000 है यहाँ 4,00,000 है, तो 2,00,000 ज्यादा होता है कि 4,00,000, 4,00,000, तो लिखिए इन विच वीक, तो आप क्या लिखेंगे, इन सेकेंड वीक, ये आंसर है दूसरे क्वेश्चन का, इन सेकेंड वीक There was the greater sale. Greater sale. अब कह रहा है एंड बाई हाउ मच, तो कितनी ज्यादा सेल हुई थी, तो आप क्या करिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा, चलिए माइनस करिए, 4,00,768 में से क्या माइनस करना है, 2,85,891 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितने से ज्यादा, तो 8 में से बन गया 7, यहाँ कैरी लिए 16 में से 9 गया 7, और यहाँ क्या बचा 6, अब यहाँ से एक कैरी लेंगे बनेगा 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बना 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे भी 9, 9 में से 8 गया 1, एंड यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 2 गया 1, कॉमा लगा लेते हैं, इट मीन्स क्या पूछ रहा था, इन विच वीक वॉज द ग्रेटर सेल, तो कौन से वीक में ज्यादा सेल थी, सेकेंड वीक में, एंड बाई हाउ मच, और कितनी ज्यादा थी, तो इतनी ज्यादा थी, कितनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी 1,14,877 इस वीक में ज्यादा थी, सेकेंड वीक में ज्यादा थी इससे, देखिए यहाँ पे 2,00,000 है, यहाँ पे 4,00,000 है, तो कितनी ज्यादा इसमें है, इसमें है 1,14,877, इतनी सेल ज्यादा थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6,2,7,4,3 ईच ओनली वंस। सो आपको इन डिजिट्स, इन डिजिट्स की हेल्प से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, चलिए लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, और जो भी ये डिजिट दी गई है इसको सिर्फ एक ही बार यूज करना है, मतलब अगर 6 एक बार यूज कर लिया तो दोबारा 6 को नहीं यूज करना है, ये 5 डिजिट दी हुई है और आपको 5 डिजिट का नंबर भी बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं 76432, स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, इसको हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं 23467। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो लिखिए डिफरेंस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, बड़े में से छोटे को माइनस करिएगा,
ये बड़ा है ये छोटा है, तो 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7 डिफरेंस करिए, 12 में से 7 गया 5, यहाँ क्या बचा 2, 12 में से 6 गया 6, यहाँ क्या बचा 3, 13 में से 4 गया 9, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ क्या बचा है 7, 7 में से 2 गया 5. Now move to the next question, that is question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है? A machine on an average manufactures 2825 screws a day. एक मशीन है जो बना रही है कितने स्क्रूज? 2825 स्क्रू एक दिन में बना रही है एक मशीन. तो how many screws did it produce in the month of January 2006? तो वो जनवरी के महीने में कितने स्क्रू बनाएगी? चलिए करते हैं. जनवरी के मंथ में, मंथ ऑफ जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज. आप लोग को पता होगा जनवरी में 31 डेज होते हैं. तो इसका ये मतलब है कि एक दिन में मशीन इतना स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रही है, तो 31 डेज में कितना स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगी आपको यही बताना है. तो चलिए लिख लेते हैं. मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रू मैन्युफैक्चर स्क्रूज इन वन डे इज इक्वल्स टू कितना है एक दिन में? 2825. सो मशीन manufacture screws in 31 days. आपको 31 days में बताना है क्योंकि जनवरी में 31 days होते हैं. तो वन डे का आपको पता है, आपको 31 days का चाहिए. मैंने बताया था ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इस नंबर में 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको पहले लिख लीजिए 2825 into 31. चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ पे 2825 इंटू 31. पहले 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 जो 5, 12 जो 2, 18 जो 8, 12 जो 2, 35 जो 15 कैरी आया 1, 32 जो 6, 6 7, 38 जो 24 कैरी आया 2, 32 जो 6, 6 टू 8. यहाँ हो जाएगा 5, 5 टू 7, 8 7 15, कैरी आया 1, यहाँ हो गया 5, 5 टू 7 और यहाँ पे 8. कितना हो जाएगा? 87,575 लिख लेते हैं यहाँ पे. 87,575 स्क्रूज. सो ये मशीन वन डे में 2825 स्क्रू बनाती थी, तो 31 डेज में कितने स्क्रू बनाएगी? 87,575. यही आपका आंसर है. आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर. एक मर्चेंट है और उसके पास कितना रुपीज है? उसके पास है 78,592 और वो लड़की है. हर लड़की के लिए लगता है ना शिवी. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. उसने order दिया खरीदने का 40 radio at rupees 1200 each. मतलब एक radio का price 1200 है और उसने 40 radio को order दिया है खरीदने के लिए. How much money will remain with her after the purchase? जब वो 40 radio को खरीद लेगी तब उसके पास कितना money बचेगा वही आपको बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखिए मर्चेंट हैड मनी या फिर हैव मनी. मर्चेंट हैव मनी इज इक्वल्स टू कितना मनी है उसके पास? रुपीज 78,592 और एक रेडियो का प्राइस है 1200. लिखिए प्राइस ऑफ
वन रेडियो इज इक्वल्स टू, वन को मैं नंबर में लिखूंगी, प्राइस ऑफ वन रेडियो इज इक्वल्स टू रुपीज 1200, तो प्राइस ऑफ 40 रेडियोस क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ 40 रेडियो, जब एक रेडियो का प्राइस 1200 है तो 40 रेडियो का प्राइस कितना होगा, जैसे एक रेडियो का प्राइस 1200 है तो टू रेडियो का प्राइस कितना होगा, 1200 इंटू टू, थ्री रेडियो का प्राइस कितना होगा, 1200 इंटू थ्री, फोर रेडियो का प्राइस क्या होगा, 1200 इंटू फोर, उसी तरीके से 40 रेडियो का प्राइस क्या होगा, 1200 इंटू 40, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, रुपीज 1200 इंटू 40। अब मैंने बताया था जीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, सिर्फ नंबर नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी जितने जीरो है उसको लिख लेते हैं, तो 12 4 जा 48 और कितने जीरो है, 1 2 3, तो हो जाएगा 48,000 रुपीज। मतलब जब वो 40 रेडियो खरीद रहा है तो उसने 48,000 रुपए उसमें खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने मनी बचे हैं वही आपको बताना है, हाउ मच मनी विल रिमेन, रिमेन का मतलब बचे हुए हैं, उसके पास कितने मनी बचे हुए हैं आफ्टर परचेज, परचेज करने के बाद उसके पास कितने मनी बचे हैं, तो चलिए देखते हैं, टोटल इतने मनी थे उसने इतने रुपए खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सपोज मेरे पास 7 रुपीज थे, मैंने 5 रुपीज खर्च कर दिए, अब मेरे पास कितने रुपीज बचे, तो कितने बचे, 2 रुपीज बचे, आपने क्या किया, माइनस किया ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, तो लिखिए मर्चेंट हैव मनी रिमेन इज इक्वल्स टू, कितना मनी रिमेन होगा उसके पास, तो इसमें से इसको माइनस करिए, 78,592 माइनस 48,000, माइनस कर लीजिए, 2 में से 0 गया 2, यहाँ 9, यहाँ 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो गया 30,592। तो मर्चेंट के पास अभी इतने रुपए बचे हैं, उसके पास 78,000 थे 592 और उसने 48,000 खर्च कर दिए रेडियो खरीदने में, अब उसके पास बचे हैं कितने, 30,592। दिस इज योर आंसर, आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, I student multiply 7236 by 65. मतलब एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कराया, इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 से मल्टीप्लाई कराने के बजाय, इंस्टीड का मतलब बजाय, मतलब 56 के बजाय उसने 65 से मल्टीप्लाई करा दिया, उसको कराना किससे था, उसको कराना था 56 से, लेकिन उसने अभी किससे कराया है, 65 से, तो कह रहा है by how much was his answer greater than the correct answer, उसका करेक्ट आंसर इससे मिलता लेकिन उसने गलत मल्टीप्लाई करा दिया है, तो आप बताइए कि उसका जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है, तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं सबसे पहले 65 से, तो हो जाएगा 5 6 30 कैरी आया 3, 5 3 15, 15 3 18 कैरी आया 1, 5 2 10, 10 1 11 कैरी आया 1, 7 5 35, 35 1 36, 6 6 36 कैरी आया 3, 6 3 18, 19 20, 21 कैरी आया 2, 6 2 12, 12 2 14 कैरी आया 1, 6 7 42, 42 1 43, 0 8 6 14 कैरी आया 1, 3 6 4 10 कैरी आया 1, 6 6 7 4, तो हो गया 3 डिजिट पे कॉमा, देन इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको 4,70,340 मिला, और यहाँ पे अगर वो मल्टीप्लाई कराता तो क्या मिलता, 6 6 36 कैरी आया 3, 6 3 18, 19 20, 21 कैरी आया 2,
इसको ऐड करिए, 6 1 8 4 12 कैरी आया 1 4 1 5 6 4 10 कैरी आया 1 4। उसको जब उसने करेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराया तो उसको इतना मिला। अब पूछ रहा है कि जब उसने 65 से मल्टीप्लाई कराया तो उसका आंसर इससे कितना ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इस नंबर में से इस नंबर को। तो लिखिए 4,70,340 माइनस 4,05,216। इसको माइनस करा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 गया 1, उसके बाद 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 6, बस 65,124 उसको इसमें ज्यादा मिला। उसको कराना 56 से था, ये इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन उसने 65 से करा दिया है ना। तो अब पूछ रहा है कि ये जो आंसर आया 65 वाला वो इससे कितना ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 65,124 ज्यादा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, टू स्टिच अ शर्ट, स्टिच का मतलब होता है सिलना। एक शर्ट को सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है एक शर्ट को बनाने में। तो आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, अब आपको 40 मीटर का कपड़ा है, बोल रहा है हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, 40 मीटर क्लॉथ से कितनी शर्ट आप बना सकते हो, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना क्लॉथ बच जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ मीटर सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो सबसे पहले सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 2 मीटर, एक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में कितना होगा 200 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 215 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसको 215 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया है 40 मीटर, इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर, इसको 40 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 100 × 40 हो जाएगा सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर को मैं 4000 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। अब आपको मैं ड्राइंग के थ्रू समझा रही हूं कि मेरे पास मान लीजिए ये 40 मीटर का ये वाला कपड़ा है, कितने मीटर का, अब मैं मीटर में नहीं सेंटीमीटर में बात करूंगी, 4000 सेंटीमीटर का ये मान लीजिए आपके पास कपड़ा है, और एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर मान लीजिए कुछ इतना हो रहा है, इतने कपड़े में 1 शर्ट बन रही है, कितनी है डिस्टेंस लेंथ इसकी, यहां पे दिया है 215 सेंटीमीटर, 257 में एक शर्ट बन रही है, तो बताइए 4000 सेंटीमीटर में कितनी शर्ट्स बनेंगी ऐसी ही, और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे है, लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ कितना है टोटल लेंथ 4000 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ क्लॉथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट, 1 शर्ट को बनाने में कितना क्लॉथ लग रहा है 215 सेंटीमीटर। देन हम क्या करें, हम मान लेते हैं हमारे पास पता नहीं है कि कितनी ऐसी शर्ट्स बनेंगी,
तो हम मान लेते हैं कि एक्स शर्ट बनेगी। तो लेट लेट हमें मानना पड़ेगा ना, लेट एक्स शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड स्टिच्ड फ्रॉम 4000 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि एक्स शर्ट बनेगी इस 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ से। तो देन क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक एक्स शर्ट क्या हो जाएगा, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक एक्स शर्ट क्या हो जाएगा, (215)x। कैसे, मैंने बताया ना कि क्लॉथ एक शर्ट के लिए कितनी, वन शर्ट के लिए कितने क्लॉथ की जरूरत है, 215। तो x शर्ट के लिए कितने क्लॉथ की जरूरत होगी, 215 x। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं ना। नाउ आप बोल रहा है, अब देखिए 215 x हम इतनी शर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, और लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है 4000 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। चलिए लिख लेते हैं 215 x = 4000। एक्स की वैल्यू यहां से निकल आएगी, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4000 / इधर जो चीज मल्टीप्लाई में रहता है इधर आता है तो डिवाइड हो जाता है 215। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4000 को 215 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये सबसे पहले 5 से दोनों नंबर कटेगा ना, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, ये नंबर 5 से कटेंगे। और अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट डिवाइड करिए 4000 / 215। चलिए डायरेक्ट ही करते हैं, 215 को 4000 से डिवाइड करना है, 215 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, इतना हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 215 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराए हैं, यहाँ से एक आइडिया लग जाता है 18 बार जाना है 2 को, तो 2 9 = 18 होता है, या तो 9 बार जाएगा, या तो 2 8 = 16 होता है, तो 6 बार जाएगा सबसे पहले, सॉरी 2 8 = 16 या तो 8 बार जाएगा। सबसे पहले हम कम वाले को देखते हैं, 8 बार ले जाते हैं, 8 5 = 40 कैरी आया 4, 8 1 = 8, 8 4 = 12 कैरी आया 1, 8 2 = 16, 16 1 = 17 सही है, 0, 5 में से 2 गया 3, 1, 130। देखिए आप 18 शर्ट्स बना सकते हैं इस पूरे कपड़े में, अगर इतना इतना सेंटीमीटर का मैं काट दूं तो आप ऐसी 18 शर्ट्स बना सकते हैं। और आपके पास कितना कपड़ा बच जाएगा, आपके पास क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में चल रही थी तो आपके पास 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, फाइनल आंसर आप यहां से लिख दीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ इक्वल टू 18 लिख दीजिएगा। अब लिखिए कि 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड स्टिच्ड एंड कितना कपड़ा बच गया, 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। This is your answer. Question number 10 क्या कह रहा है? Machine is packed in boxes. Sorry, medicine है. Medicine. Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg, 500 g. How many such boxes can be loaded in a van? Which cannot carry beyond 8 kg. तो क्या कह रहा है? Medicine is packed in boxes.
मेडिसिन को जो है बॉक्स में पैक किया जा रहा है, ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। मतलब ये मान लीजिए कोई बॉक्स है, ऐसे ऐसे बॉक्स है, और एक एक बॉक्स में कितनी कितनी मेडिसिन को पैक किया जा रहा है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। सबसे पहले 1 किलोग्राम और ग्राम में दिया है, तो हम इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम, 4000 ग्राम, है ना, क्योंकि 4 × 1000 4000 हो जाएगा। और 4 किलोग्राम 500 ग्राम, इसमें क्या होगा, 4 किलोग्राम को मैं लिख सकती हूँ 4000 ग्राम एंड प्लस 500 ग्राम, ये टोटल हो जाएगा 4500 ग्राम। मतलब मैं किलोग्राम और ग्राम को हटा के मैं सीधे ग्राम में आंसर बताती हूँ, 4500 ग्राम। ये बॉक्स है, मेडिसिन को यहाँ बॉक्स में पैक किया जा रहा है, और एक एक बॉक्स का वेट 4500 ग्राम है। इसका भी वेट वही होगा, इसका भी वेट वही होगा, ऐसे ढेर सारे बॉक्सेस को पैक किया जा रहा है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन, और फिर इन बॉक्सेस को वैन में लोड किया जा रहा है, मतलब वैन पे रखा जा रहा है, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। मतलब जो वैन है वो 800 किलोग्राम से ज्यादा वेट नहीं कैरी कर सकती है। तो सबसे पहले इसको भी मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देती हूँ, यहां पे कर देती हूँ, 800 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, आप लोग बताइए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 800 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1000 × 800 ग्राम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 × 1 = 8 एंड देन 50 ग्राम। तो वैन जो है वो इतना वेट ही ले सकती है, तो लिखिए यहां पे, वैन कैन कैरी वेट, वैन कितना वेट कैरी कर सकती है, 800 किलोग्राम, और इसको मैं क्या लिख सकती हूं, इतना ग्राम, मैंने किलोग्राम से हटा के ग्राम में लिख दिया है। आप बताइए वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है, इसको भी लिख लेती हूं, वेट ऑफ एन बॉक्स, वन बॉक्स, वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है, 4500 ग्राम। अब हमें नहीं पता कि उस वैन में कितने ऐसे बॉक्सेस को रखना है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कुछ कि इतने बॉक्स को रखना है, तो मैं एक्स मान लेती हूं, लेट एक्स बॉक्सेस, लेट एक्स बॉक्सेस इज लोडेड इन द वैन। मैं मान लेती हूं कि वैन में मुझे एन बॉक्स को रखना है, तो इस एक्स बॉक्सेस का वेट कितना हो जाएगा, हमें वेट ऑफ वन बॉक्स पता है, तो वेट ऑफ एक्स बॉक्स कितना हो जाएगा, एक्स बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा बताइए, वन बॉक्स का इतना है तो एक्स बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4500 × x ग्राम। अब वैन में, वैन सिर्फ इतना वेट कैरी कर सकती है, और हम वैन में कितना बॉक्स रख रहे हैं, इतना बॉक्स रख रहे हैं इतने ग्राम का, मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, तो चलिए बराबर कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4500 × x = ओके, हमें यहां से x की वैल्यू निकल आएगी, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों नंबर 5 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इसको पहले मैं यहां लिख लेती हूँ, यहां बचा 8000 और यहां बचा है 45। देखिए दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, तो मैं काट देती हूँ, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5 कैरी आया 3, ये बन गया 30, 5 × 6 = 30 और फिर 20। अब मैं 1600 को 9 से डिवाइड कर दूं, 9 × 1 = 9, कितना बचा,
सेवन एंड देन एक जीरो आ जाएगा। अब बताइए कितनी बार जाएगा, नाइन सिक्स जा 54, नाइन सेवन जा 63, सेवन बार जाएगा है ना। अब टेन में से थ्री गया सेवन, फिर यहाँ जीरो उतरा, फिर यहाँ नाइन सेवन जा, सेवन बार फिर ले जाएंगे हो जाएगा 63, कितना आया सेवन। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, कितना आ गई 177। मतलब हम उस बैन में ऐसे 177 बॉक्स को लोड कर सकते थे। कितने बॉक्स को लोड कर सकते हैं, 177 बॉक्स को लोड कर सकते हैं, और ये 7 ग्राम जो है ये बच जाएगा। यही आपका आंसर है। आंसर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 185 मीटर। एक स्टूडेंट है, उसके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, हर दिन वो पहले घर से स्कूल जाती है, फिर स्कूल से घर आती है। बोथ वेज मतलब दोनों तरफ, मतलब घर से स्कूल गई फिर स्कूल से घर आई। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर की है 6 डेज में। तो चलिए सबसे पहले एक ओवरव्यू बना लेते हैं। ये मान लीजिए उसका घर है, दिस इज होम एंड दिस इज स्कूल, ये उसकी स्कूल की बिल्डिंग है, दिस इज क्या है स्कूल। वो हर दिन अपने घर से स्कूल जाती है, कितना चलती है 1 किलोमीटर 185 मीटर। सबसे पहले एक किलोमीटर और मीटर में दिया हुआ है, हम इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज मीटर। तो चलिए लिखते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, आप लोगों को पता है। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, एंड प्लस कितना मीटर है 875 मीटर, आप दोनों को ऐड करके बताइए कितना मीटर होगा टोटल, तो हो जाएगा 1875 मीटर। मतलब एक स्टूडेंट जो है वो अपने घर से स्कूल डेली कितना चलती है 1875 मीटर। पहले अपने घर से निकलती है 1875 जाती है अपने स्कूल को, फिर उसके बाद, ये तो इधर का हुआ, फिर उसके बाद ऐसे वापस भी आती है 1875 मीटर। तो क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1875 मीटर। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट गोइंग फ्रॉम स्कूल टू होम, जब वो स्कूल से घर आ रही है तब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इतना ही। अब लिखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन वन डे, वन डे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक दिन में ये इधर जा रही है फिर इधर आ रही है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 1875 मीटर प्लस 1875 मीटर, कितना है आप हमको बता दीजिए 55, 10 कैरी आया 177, 14 एक 15 कैरी आया 118, 16 एक 17 कैरी आया 13, इतना मीटर 3750 मीटर वो एक दिन में डिस्टेंस कवर कर रही है। आप बोल रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट
student in 6 days. 6 days. 1 day में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कवर कर रही है, तो बताइए 6 days में कितना डिस्टेंस. ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3650 meter इंटू 6. 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. यहां कराते हैं 6 से मल्टीप्लाई, 6 जीरो जा 0, 6 5 जा 30, कैरी आया 3, 6 6 जा 36, 3 39 कैरी आया 3, 6 3 जा 18, 19, 20, 21. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 2137. सॉरी मैंने गलत लिखा है, यहां पे क्या था, 3750 था ना. 3750 को 6 से मल्टीप्लाई कराइए, 6 जीरो जा 0, 6 5 जा 30 के 0 कैरी आया 3, 7 6 जा 42, 42 और 3 45 कैरी आया 4, 6 3 जा 18, 18 4 22, तो 22500. यहां लिख लेते हैं 22500 meter. इतनी डिस्टेंस वो 6 डेज में कवर करेगी, लेकिन अभी मीटर में है, हम इसको किलोमीटर और मीटर में लिख देते हैं. तो ये 22000 और 500 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 22000 प्लस 22000 meter प्लस 500 meter. लिख सकती हूँ कि नहीं? मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, 22 के बाद 30 मतलब 22000 एंड मीटर एंड देन 500 meter. अब इस 22000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं 22 किलोमीटर लिख सकती हूँ, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर एंड प्लस 500 मीटर. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 22 किलोमीटर 500 मीटर. ये जो स्टूडेंट है ये 6 डेज में 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2. नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? अ वेसल हैज 4 liters एंड 500 milliliters ऑफ कर्ड. एक वेसल है, सपोज मैं एक वेसल बना लेती हूँ. वेसल का मतलब होता है बर्तन. तो एक बर्तन में कितना कर्ड आ रहा है? 4 liter एंड 500 ml. सबसे पहले मैं इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेती हूँ. यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर दोनों है, तो मैं छोटी यूनिट में कन्वर्ट करूंगी. 1 liter इज इक्वल्स टू 1000 milliliters होता है, तो 4 liter में कितना, 4000 milliliters. तो 4 liter एंड 500 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 4500 मिलीलीटर. क्योंकि 4 लीटर में 4000 और 500, तो 4000 और 500 को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 4500 मिलीलीटर. तो मतलब ये जो वेसल है इसमें हम कितना कर्ड इसमें आ सकता है, तो 4500 मिलीलीटर कर्ड इसमें है. इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी. अब पूछ रहा है कि कितनी ग्लासेस जिसकी कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर कैपेसिटी की कितनी ग्लासेस को हम ऐसे फिल कर सकते हैं, इस कर्ड को इसमें डालेंगे 25 मिलीलीटर कैपेसिटी वाले ग्लास में, तो ऐसे कितनी ग्लासेस को हम फिल कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल कर्ड कितना है, टोटल कर्ड इन वेसल इज इक्वल्स टू, यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं, टोटल कर्ड इन वेसल इज इक्वल्स टू कितना है बताइए, ml में बताइएगा, 4500 ml. 1 glass की कैपेसिटी कितनी है, लिखिए कैपेसिटी ऑफ 1 glass इज इक्वल्स टू 25 ml. अब आपको पता नहीं कैसे कितनी ग्लास भरी जाएगी, तो हम मान लेते हैं, लेट
एक्स ग्लासेस कैन बी फिल्ड। हम मान लेते हैं कि एक्स ग्लास को हम भर सकते हैं। नाउ कैपेसिटी ऑफ एक्स ग्लासेस कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी एक्स ग्लासेस की। हमें कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास पता है 25 ml, तो कैपेसिटी ऑफ एक्स ग्लास कितना हो जाएगा, 25 × x मिली लीटर। अब ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल कर देते हैं। 25 × x इज इक्वल टू 4500। यहां से हमें x की वैल्यू आ जाएगी, इधर है 4500 डिवाइड बाई 25। इसको सबसे पहले 5 से सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45 and 00। अब 900 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 5 × 5 = 4, 5 × 8 = 40, कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो बचा, यहाँ पे हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 180। तो ऐसे कितनी ग्लासेस को हम फिल कर सकते हैं, 180 ग्लासेस को, 180 ग्लासेस को मैं फिल कर सकती हूं। मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 180 ग्लासेस, लिख लेती हूं, 180 ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml, ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। ओके सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास खत्म हुई। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 पूरा अच्छे से समझ आया होगा। मैं बस एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं जितने भी वीडियोस को अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले दिखाई दे। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं NCERT की सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कराने वाली हूँ, एज वेल एज जितने भी ट्राई दीज प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं कवर करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स प्लीज़, इतना तो आप कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।